एक जो फूल है सरसों का वो जो है वो खिल चुका है और ये जब तैयार हो गया बिल्कुल ना, तो ये बिल्कुल ये पैक हो जाएगा फुटबॉल की मानी। आज जो है मैं अपने खेतों पे जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे जो हमने अपने खेतों पे सब्जियाँ लगाई हुई हैं, माल्टी लगाए हुए हैं और यहाँ पे जो ट्यूबवेल है वो सब मैं जो हूँ आपके साथ शेयर करूँ। तो बस हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं अपनी ज़मीनों के ऊपर, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमने जो जो चीज़ें लगाई हुई हैं। ये जो है वो गाजी बरूता लेक है, ये जो है वो तरबेला डैम से आ रही है और ये जा रही है अटक के मुकाम पर, जहाँ जाके ये जो है वो दरियाए काबुल के अंदर गिर रही है। हम लोग जो है अभी ज़मीनों की तरफ जा ही रहे हैं कि बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की, तो रास्ता भी बड़ा ख़राब सा है, प्लॉट जो है वो बना नहीं है क्योंकि ये जितनी भी ज़मीन है सारी हतार इंडस्ट्रियल एरिया की ज़मीन है। एक हतार इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो है हरिपुर के अंदर और ये आप समझ लीजिए दूसरा जो है फेज टू बन रहा है हतार इंडस्ट्रियल एरिया का, ये सारा का सारा ये जो है वो सारे के सारे अंगूरों के बाग हैं। अब इन पे जो है वो फ्रूट आया नहीं है लेकिन ये बेरे वेले हमने सब जो फैट कर दी है, ये सारे बाग जो पीछे की तरफ जो है वो सारे के सारे अंगूरों के बाग हैं सारे के सारे। और ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है, ट्यूबवेल चलाने के लिए सोलर सिस्टम लगाया हुआ है इन लोगों ने यहाँ पर। और ये जो है जितना भी एरिया है, ये जितने भी बागात हैं, ये सारे के सारे माल्टे के बागात हैं। ये देखें हल चलाया जा रहा है ज़मीन पर। अच्छा ये देखें, ये हम लोग फाइनली अपनी ज़मीनों पे पहुंच चुके हैं। ये हम लोगों ने गंदम भी यहाँ लगाई हुई है और साथ में ये जो छोटे छोटे आपको दरख्त नज़र आ रहे होंगे, तो ये जो हैं पौधे समझ लें अभी तो हैं, ये हमने लगाए हुए हैं यहाँ पे माल्टे, ये रेड ब्लड माल्टा है वो जो देखें आप, वो आगे तक जो है वो ये हमारी ज़मीन गई हुई है। ये साथ साथ गंदम भी लगी हुई है, जो छोटे छोटे जो पत्ते पत्तियाँ निकली हुई हैं ये सारी गंदम की हैं और ये जो दरख्त नुमाया है छोटे छोटे से ये सारे के सारे माल्टे के पौधे हैं। और ये जो है हमारी ज़मीनों पे लगा हुआ है ट्यूबवेल, वो पीछे की तरफ से जो है वो पूरी पानी की सप्लाई आ रही है, ट्यूबवेल पीछे लगा हुआ है और ये नीचे की तरफ जो है वॉल लगा हुआ है और इस ज़ेरे ज़मीन जो है वो पाइपलाइन बिछाई गई है ज़मीनों के लिए, तो यहाँ से जो वॉल लगा हुआ है पानी जो होता हुआ जाता है अंडरग्राउंड होता हुआ, ये सामने जो हमारी ज़मीन है वहाँ तक जाता है सारा अंडरग्राउंड जो है वो पानी की सप्लाई है यहाँ पर सारी की सारी। और ये जो है हमारा ज़मीन का जो हिस्सा है, यहाँ पर हमने लगाई हुई है सरसों। ये एक जो फूल है सरसों का वो जो है वो खिल चुका है और ये जो हरे हरे हैं ये सरसों के बीज हैं, यही बीज जो है हम लोग मशीन में क्रश करते हैं बाद में और सरसों का ऑयल इन्हीं बीजों के थ्रू निकाला जाता है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ज़मीन के इस हिस्से पे हम लोगों ने लगाए हुए हैं शलजम, ये देखें आप देख सकते हैं अभी छोटे छोटे हैं, अभी ये छोटे छोटे हैं, ये इंशाअल्लाह जो है वो आफ्ता आफ्ता जो अपने जब सीज़न आता है तो ये फिर ग्रोथ करेंगे सारे के सारे। ये लगे देखो ये छोटे छोटे ये सारे जो है वो अंडरग्राउंड जो है वो पैदा होते हैं, आप ये समझ लें। इस तरफ जो है वो हमने मूली का बाग लगाया हुआ, आप ये देखें ये भी जो है अंडरग्राउंड जो है वो पैदा होती है, ये भी हमारे मामू ने जो है वो निकाली है फिर लगा दी अंदर। ये जितना भी रास्ता है ये सारा का सारा जो है हमने बनाई जाती है यहाँ पे, आप समझ लें छोटी सी नहर टाइप बनाई जाती है। ओए वो मैं गिरता अभी ये सारा यहाँ से जो है पानी जो है वो जाता है एक खेत से दूसरे खेत के अंदर, वो सामने जो है वो ट्यूबवेल लगा हुआ है पानी वो अंडरग्राउंड होता हुआ, फिर जो एक छोटा सा ये हमने बनाया होता है पॉन्ड समझ लें, इस पॉन्ड के थ्रू पानी होता हुआ दूसरे खेत के अंदर जाता है। अब जो है वो मैं अपने खेतों की तीसरे पोर्शन की तरफ जा रहा हूँ। सबसे पहले पोर्शन में हमने लगाई हुई थी गंदम और साथ में लगाए थे हमने माल्टे के बाग, और दूसरे पोर्शन में हमने लगाई हुई थी जो ये वाला पोर्शन है इसमें हमने सरसों लगाई हुई थी, मूलियाँ लगाई हुई थी और साथ साथ हमने शलजम भी लगाई हुई थी। और अब जो है मैं जा रहा हूँ अपने तीसरे पोर्शन की तरफ ज़मीनों के, और ये मैं आ गया हूँ अपने तीसरे पोर्शन की तरफ। यहाँ पे जो लगाए हैं हमने माल्टे लगाए हुए हैं, जवार लगाई हुई है और वो दूसरी तरफ जो है हमने आलू लगाए हुए हैं।
अच्छा ये सारी की सारी जो है वो जवार लगी हुई है। और यहाँ भी हैं कुछ जो हमने दरख्त लगाए हुए हैं माल्टे के, आप ये देखें ये जो है ये 4 साल बाद जो है माल्टे का जो दरख्त है वो इतना हुआ है, इसको अभी 4 साल हो गए हैं। ये 4 साल पहले यहाँ पे हमने पौधा लगाया था माल्टे का, तो ये तकरीबन 4 साल बाद जो इसकी जो माल्टों की जो ग्रोथ हुई है पौधे की वो इतनी हुई है। स्टिल इनके ऊपर अभी तक ये फल नहीं आए माल्टों के, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी साल जो है वो माल्टे के जो फल हैं वो उसमें लगने शुरू हो जाएंगे। और ये जो थर्ड पोर्शन जो है हमारा ज़मीनों का, उसमें पहले जो उसके पार्ट के अंदर हमने लगाई हुई है जवार, और ये दूसरे पार्ट के अंदर हमने साथ साथ माल्टे भी लगाए हुए हैं, और साथ साथ हमने ये ज़मीन के अंदर आलू भी लगाए हुए हैं। ये आलू की फसल है सारी की सारी, ये देखें ये एक काफ़ी बड़ा आलू जो है वो निकल आया, फाइनली दो निकल आए, बल्कि एक भी नहीं, एक ये दूसरा भी तो है, ये दो ये और निकल रहे हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता, और अभी देखें इनकी जो जड़ें जो है अभी हैं, इसका मतलब है ये कि अभी और भी निकलेंगे। वापस कर दो भाई इसको अंदर, इसको ढक के रखना पड़ता ज़मीन के अंदर, ये इसका पौधा ही मर गया थोड़ा। ओह वेदर आप चेक करें सारा कितना हसीन हो रहा है, अच्छा जी यही बिल्कुल हमारी ज़मीनों के एंड के ऊपर एक जो है वो डेरा बना हुआ है, तो हम लोग वहाँ पर आए हुए हैं। ये पीछे जो है वो इन साहब की ज़मीनें हैं, इन्होंने टमाटर लगाए हुए हैं और उसके अलावा माल्टे लगाए हुए हैं, अंगूरों के बाग लगाए हुए हैं, वो पीछे तक इनकी ज़मीनें हैं, और ये इन्होंने जो बनाया हुआ अपना डेरा बनाया हुआ है, ये जो है वो डेरे की फ्रंट साइड है। सामने वो देख सकते हैं आप कितने हसीन किस्म का जो है वो फूल लगा हुआ है सरसों का। इस तरफ जो है इन्होंने देखें ये एक खारदार तार की जो है वो इन्होंने बाउंड्री बना दी है, ताकि पार्टीशन हो जाए डेरे में, कोई जंगली जानवर ना आ सके। और दूसरी तरफ जो है वो जितने भी बाग लगा हुआ है वो सब अंगूरों के बाग हैं। और ये इस तरफ फिर इनके सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये बंद गोभी है, ये बंद गोभी के पत्ते देखें अभी खुले हैं, आप लोगों ने खाई भी होगी मेरे हिसाब से। ये देखें एक एक पत्ता खुला है ना, बीच में देखें ज़रा, ये ऐसे से पैक हो रही है, ये जब तैयार होगी बिल्कुल ना तो ये बिल्कुल ये पैक हो जाएगा। फुटबॉल की माने जिस तरह बंद गोभी होती है, आप लोगों ने देखी ये वो इस तरह बन जाती है। ये सब बंद गोभी के हैं पत्ते, ये भी बंद गोभी के इसी तरह ये तैयार हो रही है, सब हो रहे हैं। ये पनीरी का बीज लगाया, उसके बाद ये एक एक इसकी कलम उठाएंगे, इस जगह से उठा के इसको कुछ दिन के लिए बाहर रखेंगे, फिर इसको जगह जगह लगा देंगे, फिर इसमें से ये एक एक दाने एक एक पनीर इससे ना ये इससे ये एक एक से जो प्याज निकलेगा, फिर जगह जगह ये सब प्याज की पनीर ही है। ये आपको जगह देखने में थोड़ी नज़र आ रही है, लेकिन इससे माशाल्लाह से मनों के हिसाब से प्याज निकलेगा, मनों के हिसाब से। आप साथ साथ मुझे बताते रहें ये क्या चीज़ है। ये भाई ये ब्रोकली है, ये ब्रोकली है, ये ब्रोकली है, ये वो जो आगे तक लगी हुई है जी, वो आलू तक लगी हुई है, आगे आलू लगा हुआ आगे आगे। और ये सलाद है, ये सलाद के पत्ते, सलाद पत्ता है, नजदीक जाके दिखाऊंगा बाद लगा के ना जी। ये सलाद पत्ता है, ये जो खाते हैं हम लोग, हाँ खाते हैं जो खाने, हाँ बिल्कुल सलाद, सलादों पे भी चलाते हैं बिल्कुल, ये वो सलाद पीछे धनिया पे। तो ये साल में एक दफा होता है या? हाँ जी एक दफा, एक दफा ही होता है जी। और ये इस तरफ ये धनिया लगा हुआ है जी, ये आगे धनिया लगा हुआ है, ये सारा धनिया है। आप बताया मैं सब, ठीक है ये धनिया लगा है जी, सारा धनिया है ना, ये सारा धनिया देखें इसकी खुशबू सूंघे खाली, आप खुशबू सूंघ नहीं सकते ना वीडियो के ऊपर, बस दिखा सकते हैं कि फ्रेशनेस कैसी है माशाल्लाह से। ये सारा धनिया लगा हुआ है जी। अब आगे बढ़ते हैं, और ये जो है वो शलजम लगी हुई है सारी, ये देखें पीछे जो हमने शलजम दिखाई थी वो छोटी थी, ये जो है काफी बड़ी शलजम है, ये देखें जी ये निकाल दिए, तो एक और निकालता हूँ उनको, नहीं नहीं बस सही है काफ़ी है यार। ये देखें ये पत्ते लगे हैं साथ में शलजम के, हमने आपको दिखाया थे वो गरूटा वैरायटी थी, वो भी आलू सुर्ख होता है और फीका आलू होता है, और ये वाला आलू है ये लेडी फिंगर है, ये लेडी चिप्स में जो आलू इस्तेमाल होता है ना ये वो आलू है। मैं आपको दिखा देता हूँ अगर कुछ है नीचे से कुछ बड़ा कोई निकला है, ये देखें ये लाल आलू, ये देखें ये लाल आलू होता है, ये देखें माशाल्लाह से एक बॉर्डर से कितने निकल गए, ये दो निकले हैं, ये उस साइड पर भी मेरा खाली, ये देखें ये तीसरा भी आ गया, ये तीसरा भी आ गया, ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें ये तीसरा, ये माशाल्लाह से नीचे चौथा, ये एक आलू से ये पांचवा आ गया, ये देखें छठा सातवां, ये देखें ये आलू ये निकल रहे हैं,
ये निकलने सारे, ये बड़े होंगे इंशाल्लाह। ये देखें छोटा है, ये देखें ये एक नस्ल थे, ये लेडी फिंगर है, ये जो चिप्स में इस्तेमाल होता है, लाल कलर का होता है और फीका आलू होता है ये। ठीक है ठीक है ठीक है, लगे हुए ये सब पूरी, ये सब के सब जो है वो आलू, बहुत अच्छी फसल हुई है माशाल्लाह से, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह इनकी फसल में बरकत डाले। और ये सामने पुतले क्यों लगाए हुए हैं? ये पुतले रात को इधर वो जानवर आते हैं खुनखार किस्म के, उनको डराने के लिए लगाए हुए। अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं आप, पुतले भी लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए सारे, और पीछे जो है वो सफेदे के दरख्त लगे हुए हैं। सफेदे के दरख्त क्यों लगाए यहाँ पे? ये बस ये भी इनकम का बहुत बड़ा जरिया है, ये साल में कोई 15-20 लाख रुपए दे देते हैं एक साल में 8-10 साल के बाद, मतलब इनका सौदा हो चुका है तकरीबन 22-23 लाख रुपए में, लेकिन अभी वो दे नहीं रहे, वो डिमांड 40 लाख रुपए कर रहे हैं। अच्छा, ये इतने सहरिए की। वो पीछे क्या लगा हुआ है? पीछे ये सफेदे के जो दरख्त लगे हैं पीछे जो लगे हैं, ये जो उसके पीछे जो लगे हैं, ये बाग जो है, ये भी बाग माल्टे का लगा हुआ है, माल्टे का लीमू लगा हुआ है, लीमू और माल्टा मिक्स है, लीमू और माल्टा लगा हुआ है। सो होप सो गाइस, आपको जो मैंने अपनी ज़मीनों का विजिट करवाया है वो पसंद आया होगा, और आप लोगों को मेरे गांव की खूबसूरती जो है वो अच्छी लगी होगी। सो आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे जो अपनी गांव की ज़मीन है उनको डिफरेंट फसलों के लिए, लाइक सब्जियों के लिए और फ्रूट्स के लिए वो यूज़ करते हैं, और इन्हीं से हम लोग जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।